हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप बताइएगा ज़रूर। तो दोस्तों, ये जो ब्लॉग है ये है कुछ स्पेशल ब्लॉग, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं हॉट स्प्रिंग्स क्वार्टर्स, तो जिसे कहा जाता है तत्तापानी, जो कि शिमला से 55 किलोमीटर दूर है और मंडी से 110 या 120 के आसपास है। तो दोस्तों, ये जो ये मार्केट देख रहे हैं आप, ये है सुन्नी की, जो कि शिमला से होकर जब हम जाते हैं तो पहले ये वाली मार्केट आती है। तो ये है सुन्नी की मार्केट, और ये देखो दोस्तों। तो सोचा क्यों ना इसको आपको कैप्चर किया जाए और आपको बताया जाए। और जिस दिन हम गए थे, मीन्स उस दिन था संडे, और संडे को थी यहाँ पे मार्केट क्लोज। तो चलिए, मैंने सोचा बता दिया जाए कि यहाँ पे संडे को मार्केट बंद होती है। ये देखो दोस्तों, यहाँ से तत्तापानी का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। तो ये देखो, यहाँ पे साथ में है टैक्सी स्टैंड, और जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था वहाँ, वो था यहाँ का बस स्टैंड, जो कि न्यू बस स्टैंड बना है। जब मैंने वीडियो शुरू की थी वहाँ से वो बस स्टैंड था। तो सॉरी, उसको मैंने आपको बताया नहीं स्टार्टिंग में। तो ये देखो, तो दोस्तों अभी हम पहुंचने वाले हैं सुन्नी कॉलेज में, नियर सुन्नी कॉलेज में। ये देखो दोस्तों, दोस्तों इस कॉलेज का एक इतिहास रहा है हमारे हिमाचल में, कि जो कि ये कॉलेज है, ये कॉलेज बनाया गया था एनटीपीसी के द्वारा। तो इसमें जो डिज़ाइन था वो बहुत अच्छा था, और इस डिज़ाइन को सारे जितने भी कॉलेज हिमाचल में बने हैं, तो उस कॉलेज में इस डिज़ाइन को लिया गया। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए हैं तत्तापानी। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे हम पहले भी यहाँ पे आए थे, तो उस टाइम यहाँ पे इतना पानी नहीं था, क्योंकि उस टाइम पानी को नहीं किया जा रहा था। तो अब ये देखो, यहाँ पे बहुत ही चेंज हो गया है सब कुछ जब मैंने देखा। ये देखो, वाओ। तो वैसे हम शिमला की जो बाउंड्री है वो यहाँ तक है, और इससे आगे हो जाती है मंडी से, क्योंकि ये जो हॉट स्प्रिंग्स वाटर है ये आता है मंडी में। ये देखो, यहाँ पहुंच गए हम तत्तापानी। तो अब हमने गाड़ी को पार्क किया। तो दोस्तों, ये जो आप नदी देख रहे हैं इसका नाम है सतलुज, जिसका पुराना नाम है सुद्री। और पहले दोस्तों यहाँ पे इतना पानी स्टोर नहीं होता था। जब एनटीपीसी का जो प्रोजेक्ट शुरू हो गया, उसके बाद उन्होंने पानी स्टोर करना शुरू किया, तो यहाँ तक पानी स्टोर होने लगा, और ये एक लेक की तरह बन गया है, जैसे कि बिलासपुर में लेक है उसी की ही तरह बन गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे हो रही थी बोटिंग, ऐसे ही जैसे मजे के लिए यहाँ पे बोटिंग होती है। वैसे बिलासपुर में तो नहीं होती है, मैक्सिमम कईयों के घर होते हैं ऋषिकेश, तो लोग बोटिंग करते हैं, बोटिंग के थ्रू घर को जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एंजॉय के लिए ही सभी जैसे बोटिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अपर हिमाचल पड़ जाता है तो इनको जैसे कि बहुत शौक होता है बोटिंग का। ये देखो, यहाँ पे भी बोटिंग कर रहे थे, और साथ में हो रही थी यहाँ पे वाटर साइकिलिंग। ये देखो कितना सुंदर व्यू है। तो दोस्तों, कहा जाता है कि ये जो पानी है इस पुल के साथ टच होने को हो जाता है जब यहाँ पे पानी भर जाता है। ये देखो कितने अच्छे से यहाँ पे
वाटर साइकिलिंग हो रही है, ये देखो। तो आई थिंक ये लेते हैं 100 रुपीज़ और 3-4 राउंड करते हैं, फिर उसके बाद वहीं पे ही छोड़ देते हैं जहाँ पे आप ले जाते हैं, वहीं पे ही लोगों को छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये है साथ में वो पहले जो पुराना जो यहाँ पे हॉट स्प्रिंग वाटर था, ये यहाँ पे ही था नीचे इस रिवर के साथ। तो वो हॉट स्प्रिंग वाटर तो अब नहीं है, बट बोर वेल के द्वारा कहा जाता है उसको। ऊपर जैसे कि रोड साइड में उसके जो चश्मे हैं उसको वहाँ पे ऊपर दिया गया है, ये देखो दोस्तों कितना सुंदर है। तो ये वो बोट गई, ऐसे ही जाते हैं जैसे थोड़ी सी आगे तक आई थिंक ये जाते हैं शिव गुफा है यहाँ पे फेमस। तो दोस्तों उसको भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ। तो दोस्तों कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा यहाँ का जो व्यू था। देखो यहाँ से जो रहे थे वो यहाँ से भी जा रहे थे लोगों को, ये देखो। वैसे बहुत फास्ट ले जाते हैं, 3-4 राउंड करते हैं फिर उसके बाद वहीं पे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आ रहे थे बहुत सारे लोग, तो यहाँ पे लोग आ रहे थे बट लोग तो दोस्तों यहाँ पे हो रही है वाटर साइकिलिंग, ये देखो कितने अच्छे से यहाँ पे करवा रहे हैं। वैसे सिंपली करवाते हैं, अगर आप भी करना चाहेंगे तो प्लीज ट्राई इट। ये देखो यहाँ पे, वैसे मेरे को इतना शौक नहीं था क्योंकि बेसिकली मैं बिलासपुर से हूँ, तो बिलासपुर में ये सब कुछ होता रहता है, बोटिंग भी होती है, वाटर साइकिलिंग भी होती है। तो दोस्तों ये जो ये होटल है, होटल हॉट स्प्रिंग्स, तो इनकी अच्छी सर्विस है, इन्होंने अंदर ही जैसे हॉट स्प्रिंग्स के जो पानी है उसको अंदर तक ले गए हैं और यहाँ पे भी अच्छी सी सर्विस देते हैं उसमें, कि इसमें 200-250 रुपये लेते हैं और अच्छे से हम वहाँ पे नहा सकते हैं, जैसे स्विमिंग पूल टाइप बनाए हैं। ये देखो ये हो रही है वाटर साइकिलिंग, वैसे पानी बहुत खेल रहा था। तो ये पानी है इस पूल तक टच हो जाता है कहा जाता है, बट मैंने नहीं देखा है यहाँ पे टच होता है, कि मैं भी कुछ सालों के बाद यहाँ पे गया इस वाली लोकेशन पे। मैं बहुत साल में 6-7 साल पहले आया था जब यहाँ पे लास्ट फेयर हुआ था, जो कि तत्तापानी का फेयर होता है, जो होता है मकर संक्रांति के दिन। ये बहुत ही फेमस फेयर होता है यहाँ के लोगों का, कि यहाँ के लोगों का मानना है कि वहाँ पे नहाया जाता है। वो दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, मैंने इसके पार्ट बनाए हैं, तो पार्ट 1 ये वाला है। इसको आप एंजॉय कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ये देखो दोस्तों पानी तो हिल रहा था क्योंकि यहाँ पे वाटर साइकिलिंग भी हो रही थी और साथ साथ में बोटिंग भी हो रही थी, तो पानी वैसे ज़्यादा हिल रहा था, ये देखो। तो दोस्तों जो यहाँ पे जो हॉट स्प्रिंग्स थे वो इस नदी के नीचे हैं, जो थे पहले पुराने जो भी आए हैं उनको पता ही होगा वो कहाँ पे थे, जैसे इसी के लिए थे। तो अब यहाँ से वो हॉट स्प्रिंग का वाटर ले जाकर पता नहीं कैसे कैसे कौन सी टेक्निक से उसको ऊपर जैसे नियर रोड पे कर दिया गया है।
वहाँ पे भी बनाए गए हैं इसके, जो जैसे कि नहाने को स्पेशली गॉड्स को। तो दोस्तों यहाँ पे हो रही थी वाटर साइकिलिंग एंड बोटिंग, तो पानी बहुत ज़्यादा हिल रहा था। तो दोस्तों ये जो आप रोड देख रहे हैं ये जाता है शिमला को, जो ये आपको दिख रहा है। ये देखो दोस्तों हमारे साथ एक इंसिडेंस हो गया कि हम ऐसे ध्यान ऐसे देख रहे थे तो दोस्तों पीछे भर गया था पानी यहाँ पे, ये देखो। तो दोस्तों लोगों को किसी को पता नहीं था कि यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसे हो जाएगा, क्योंकि जो पीछे जो बांध है वो पानी छोड़ते हैं। और तो उस टाइम देखो इन्होंने छोड़ दिया, पहले यहाँ पे कुछ कोई पानी भी नहीं था, फिर वो पानी छोड़ते हैं तो इस टाइम तक वो भर जाता है। आई थिंक 1-2 बजे तक यहाँ पे पानी भर ही जाता है, जो बीच में रहता है वो तापोसा। ये देखो वैसे पानी बहुत ही स्वच्छ था, ये देखो जैसे जैसे नीचे को जाता है वो गंदा होता ही रहता है। वैसे बहुत ही ठंडा था, तो ये भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ये एक्सपीरियंस ऐसा एक्सपीरियंस था कि जिस दिन वो ग्लेशियर पिघला है मीन्स उत्तराखंड में, तो उसी ही दिन ये हुआ है। जैसे होता रहता होगा, इट्स नॉर्मल कि जिसमें ज़्यादा पानी नहीं बढ़ता है तो वैसे ही बढ़ता है थोड़ा सा मामूली सा। और तो वैसे तो भी लोग ज़्यादा डर गए हैं क्योंकि उसी टाइम में देख ली थी। ये देखो दोस्तों ये सारे लोग आ रहे हैं, निकल रहे हैं पानी से, ये देखो। वैसे तो बोट भी आती है वहाँ से, बोटिंग करते हुए भी आ सकते हैं इधर को, बट ये भी एक ये वाला एक्सपीरियंस भी एंजॉय करना चाहिए हमें। तो ये देखो यहाँ पे आ रहे हैं दो, सभी ने जो अपने शूज है वो हाथ में लिए थे और चले थे। ये देखो कितने आराम राम से, जैसे आराम राम से चलना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे फ्लड हो जाता है जब। ये देखो दोस्तों ये मैंने कुछ फोटो क्लिक किए थे। तो दोस्तों आप बताइएगा कि वीडियो कैसे लगी, कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और पार्ट 2 कमिंग सून, सो वेटिंग फॉर पार्ट 2।